तारे जन्म लेते हैं, बिलियन साल तक जीवित रहते हैं और एक दिन उनकी कोर का तापमान खत्म होने पर मर जाते हैं। हमारा सूरज भी इससे अलग नहीं है, ये भी एक गैस का गोला है। जब हमारा सूरज मरेगा तब पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस समय पृथ्वी अंधेरे में नहीं जाएगी, बल्कि सूरज जब अपने अंतिम चरण में होगा तब वो एक विशाल लाल और गर्म गोले में तब्दील हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पूरी तरह से उबलने लगेगी और भाप में बदल जाएगी। लेकिन हमें अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज के मरने में अभी करीब 5 बिलियन साल बाकी हैं और इंसान इस अवधि के 40वें हिस्से में भी नहीं आते। अगर पृथ्वी की उम्र को हम 24 घंटों में मान लें, तो इंसान इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 सेकंड से ही रह रहा है। तो क्या होगा अगर सूरज मर जाए? सूरज की मौत उसके चमकने पर निर्भर करती है। तारे अपनी जिंदगी की शुरुआत एक गैस के गोले बनकर करते हैं। इन गैस में ज्यादातर हाइड्रोजन होती है, साथ ही थोड़ी कम मात्रा में हीलियम होती है और कुछ दूसरे पदार्थ भी शामिल होते हैं। गैस में भी मास होता है और हम एक जगह पर ही बहुत सारा मास डाल दें तो उसका पतन अपने खुद के वजन से ही हो जाएगा। इससे तारे के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बनता है और उसमें मौजूद गैस गर्म हो जाती है। ये इतनी गर्म हो जाती है कि इनके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और ये गैस चार्ज या आयोनाइज्ड हो जाती है। एक हाइड्रोजन का एटम जिसमें एक प्रोटॉन होता है, वो दूसरे एटम के प्रोटॉन से मिलकर हीलियम बना देता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इनके मिलने से ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में पैदा होती है। इससे दबाव बाहर की तरफ बढ़ता है और ये गैस को और ज्यादा फ्यूज होने से रोकता है। इस तरह एक तारे का जन्म होता है। इसमें इतनी हाइड्रोजन होती है कि ये कई बिलियन साल तक एक तारे को ऊर्जा दे सकता है, लेकिन अंत में तारे के कोर में मौजूद सभी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है और उस वक्त तारा ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर पाता और अपने स्वयं के वजन के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका वजन कम होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन की तरह हीलियम को दूसरी गैस में फ्यूज करने की क्षमता नहीं होती। इसके बाद से बढ़ते हुए दबाव की वजह से और ज्यादा गर्म होता है। तारा इसके बाद अपने स्वभाव से ज्यादा रोशनी और गर्मी उगलने लगता है। इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ये फूलने लगता है और एक रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट लाल इसलिए होता है क्योंकि इसकी सतह का तापमान बाकी के तारों से बहुत ज्यादा होता है। 2008 में क्लॉस पीटर स्क्रोडर और रॉबर्ट कॉनन स्मिथ ने एक रिसर्च की, जिसमें इन दोनों ने अनुमान लगाया था कि जब हमारा सूरज एक रेड जाइंट बनेगा तो ये अपने आकार से करीब 17 करोड़ किलोमीटर ज्यादा फैल जाएगा और मरकरी, वीनस और अर्थ को अपने अंदर सोख लेगा। सूरज की ऊर्जा खत्म होने के बाद इसे रेड जाइंट में बदलने में लगभग 5 मिलियन साल लग जाएंगे। इससे पृथ्वी पर पानी भी टूटने लगेगा और उसके हाइड्रोजन के एटम्स अंतरिक्ष में फैल जाएंगे, साथ ही ऑक्सीजन के एटम्स सतह की चट्टानों के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ के वातावरण की मुख्य गैस बन जाएगी, जैसा कि आज वीनस है। पृथ्वी भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी, लेकिन इसका वातावरण घना होगा या नहीं इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। ये कितना घना होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि पृथ्वी में मौजूद ज्वालामुखी कितने एक्टिव हैं और यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी तेजी से चलेंगी। ऐसा होने पर हमारी आने वाली पीढ़ी मार्स पर या सौर मंडल में और भी ज्यादा दूर अपना नया घर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब मार्स भी एक जीवन वाले ग्रह के तौर पर ज्यादा समय तक मौजूद नहीं रहेगा। एक बार अगर सूरज रेड जाइंट बन गया तो सौर मंडल का हैबिटेबल जोन 49 से 70 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स तक बदल जाएगा। नेपच्यून जिस ऑर्बिट में है उसका वातावरण भी इंसान के रहने के लिए बेहद गर्म होगा। प्लूटो, दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स और काइपर बेल्ट में मौजूद उल्कापिंड ही रहने के योग्य होंगे। स्क्रॉडर और स्मिथ का कहना ये भी था कि जब ऐसा होगा तो सोलर विंड की वजह से सूरज अपना मास खोने लगेगा, सभी ग्रहों की ऑर्बिट भी फैलने लग जाएगी, लेकिन इनका विस्तार इतना हल्का होगा कि पृथ्वी सूरज से नहीं बच पाएगी और उसमें मिल जाएगी।
लेकिन नेपच्यून काफी हद तक पीछे होकर एक ऐसा ग्रह बन सकता है जिसमें जीवन संभव हो। अंत में सूरज की बाहरी कोर से सभी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सूरज दोबारा से कोलैप्स होने लग जाएगा और ये फ्यूजन की दूसरी साइकिल शुरू कर देगा। इसके बाद सूरज करीब 2 बिलियन साल तक हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन में बदलने लग जाएगा, लेकिन इससे बेहद ही कम ऊर्जा उत्पन्न होगी और जैसे ही इसमें मौजूद आखिरी हीलियम फ्यूज हो जाएगी, सूरज में ऊर्जा नहीं बचेगी कि वो अपने वजन के खिलाफ फूला हुआ रहे और इसका कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। बढ़े हुए सूरज की बाहरी परत इसके कोर से बेहद दूर होगी, जिसकी वजह से जब सूरज का पतन होगा तो इसकी अपने वातावरण की बाहरी परत वहीं छूट जाएगी। इसकी वजह से प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा, यानी इसकी गैस अंतरिक्ष में एक अंगूठी का आकार ले लेगी। चूंकि व्हाइट ड्वार्फ फ्यूजन के बदले कंप्रेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शुरुआत में वो भी बहुत गर्म होते हैं और इनका तापमान 27,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये धीरे धीरे गैस को नेबुला के अंदर छोड़ते हैं तो कई बिलियन साल बाद भविष्य में किसी एस्ट्रोनॉमर को एक रिंग नेबुला के रूप में दिखाई देंगे, जहां पर आज हमारा सूरज चमकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।